खबर शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करूंदी कॉलोनी से है। आपको बता दें कि करूंदी में रहने वाली महिला को उसके ससुर और जेठ सास के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और मारपीट की जाती है। वहीं जेठ ने दुष्कर्म करने और करवाने की धमकी भी महिला को दे डाली। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने अब SP से गुहार लगाई है। महिला को ससुर, जेठ और सास के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। लाठी और लात घूंसों से पिटाई की जाती है। महिला ने बताया कि जेठ पर वो पहले भी केस लगा चुकी है, जिस पर 354 का केस दर्ज है। वो कोर्ट में विचाराधीन है। बताना होगा कि उसके लिए राजीनामा के लिए दबाव बनाया जाता है। कल जब महिला अपने घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली लड़की और उसके घर पर थी। महिला का मोबाइल बज रहा था, उस पर लड़की डांस कर रही थी। तभी जेठ आया और लड़की को भगा दिया और महिला से गाली देने लगा। कहा कि अगर तू नहीं मानी तो दुष्कर्म करूंगा और दूसरों से भी करवाऊंगा, जिसका विरोध महिला ने किया। महिला ने बताया कि पहले भी जेठ पर 354 छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है और इस कोर्ट में मामला चल रहा है। उसी के एवज में राजीनामा करने के लिए लगातार दबाव बनाते हैं। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए SP से महिला ने गुहार लगाई है। सासू से परेशान कर रहे हैं, राजीनामा की धमकी देते हैं कि राजीनामा करो। क्या केस चल रहा है आपका? पुराना केस यही चल रहा है। मारपीट की थी मेरे साथ और छेड़छाड़ की थी। किसने? मेरे जेठ ने की थी, राकेश दांगी ने। कब की थी? 5 दिसंबर 2020 में की थी। और अभी क्या घटनाक्रम हुआ है? अभी वो परसों उसकी तारीख थी तो उसकी राजीनामा के बोल रहे तो गाली वाली बक रहे थे और कल भी गाली बक रहे। मैं वो गान मोबाइल पर गाने लगा के, पास की लड़की अभी पड़ोसन की वो नाच रही थी तो उसको तो भगा दिया गाली गाली पलोच करके। फिर मेरे को असली गालियाँ दे रहे थे, गंदी गंदी के, तेरे को बलात्कार करवा देंगे, तेरा जो करवा देंगे। तो फिर मैंने 100 नंबर को फ़ोन लगाने की बोला, मैंने 100 नंबर को फ़ोन लगा रही हूँ। तो फिर इतने में मेरा ससुर मुझे मारने आ गया, मेरा मोबाइल भी छीन दिया। मैंने मोबाइल सीने में रख लिया, सीने में तक हाथ डाल दिया उसने। किसने? मेरे ससुर ने। मेरे हाथों में चोट आई है जी, चोट आई है जी, पीठ में आई है, मूल पे आई। ससुर का नाम क्या है? राजेंद्र दांगी। इसकी शिकायत आपने फिजिकल थाने में की? हाँ, फिजिकल थाने में की, लेकिन फिजिकल थाने में भी मेरी सुनवाई नहीं होती, समझो समझू को भगा देते हैं। क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि जाओ यहाँ से। कौन बोलता है? वो तो उसमें बहुत पुलिस वाले हैं फिजिकल थाने में, सब ऐसे ही बोलते हैं। मुझे पागल समझते हैं, तो कहते हैं पार्क में आ जाती है घूमने चाहे जाओ।